कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले शहीद मंगल पांडे के परपोते रघुनाथ पांडे सहित वीर सैनिकों के परिजनों ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व सैनिकों को गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के कुलपति सहित जिला अधिकारी ने दर्जनों पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को प्रशस्ति पत्र और शॉल से सम्मानित किया। वहीं ADM की रचित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर कई अन्य संस्थाओं के संचालकों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में लोक कला रत्न से सम्मानित निष्ठा अग्रवाल ने राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। लाल कुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। थैंकफुल हूं कि मेरे को उत्तराखंड आने का मौका मिला और उन्होंने मुझे स्वयं सुरक्षा अभियान, जो कि ये कारगिल में जो शहीद हुए हैं उनके लिए जो आयोजन किया है, मतलब मेरे को गर्व होता है कि मैं ऐसे कार्यक्रम में अपने राजस्थानी लोक संस्कृति को आप सबको दिखाऊंगा। ठीक है, सुरक्षा के लिए जितना योगदान दे सकते हैं आर्थिक रूप से दें, ताकि मेरा देश सुरक्षित रहे और हम सुरक्षित रहेंगे तो मेरा देश भी सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ेगा। अब पूर्वांचल के लिए तो भूमि है, विवाश्रम है वो गुरु जी की धरती है, और जहाँ नगवा गाँव में जनपद बलिया में शेर मंगल पांडे का जन्म हुआ था, तो बेसिकली हम लोग बल्ले के रहने वाले हैं। यहाँ पर इसी पीढ़ी से हमारे